24 के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड से अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में होंगे। शुक्रवार 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में इस बात की घोषणा की गई। हालांकि अमेठी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अमेठी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को अमेठी से उतारेगी या कांग्रेस का कोई नया चेहरा अमेठी से चुनावी ताल ठोकेगा। इन तमाम सवालों के बीच अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी को लेकर मांग तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए पोस्टर बैनर लगाया है जिसमें लिखा है, लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सूद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेठी में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। शुभम ने बताया है कि लेंगे बदला देंगे खून का मतलब है कि अपने नेता से राहुल गांधी जी के लिए हम खून देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के पास यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह पंकज और फिरोज आलम ने होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा हुआ है, अमेठी पुकारती राहुल गांधी जी आइए, अमेठी का विकास रुक गया है शुरू कराइए। इस होर्डिंग में ये भी लिखा गया है कि अमेठी लोकसभा आपके पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का रिकॉर्ड बनाएगी, अपनी भूल सुधार कर पंजे पर मुहर लगाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार 8 मार्च को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में सिर्फ 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही किया गया था जिसमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल, शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल था। कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अमेठी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने यूपी की किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। यूपी में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। यूपी की 17 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारी जिसमें अमेठी सीट भी शामिल है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर इतना हाइप क्यों हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक लोकसभा सीट मानी जाती है। साल 1967 में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी और इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बना लिया। इस सीट पर गांधी परिवार से पहली बार 1977 में कोई उम्मीदवार हुआ था। सबसे पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि पहला चुनाव वो हार गए लेकिन 1980 से लेकर 1991 तक लगातार 4 चुनाव में गांधी परिवार ने लड़ा और जीत दर्ज की। 1980 में संजय गांधी जीते और उनके निधन के बाद भाई राजीव गांधी यहां से लगातार 3 बार जीते। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद पार्टी ने अमेठी में संजय गांधी के करता धरता रहे सतीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। 1998 में भी कांग्रेस ने इस सीट पर सतीश शर्मा को ही अपना प्रत्याशी बनाया लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के संजय सिंह ने हरा कर चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2004 में उन्होंने बेटे राहुल गांधी के लिए ये सीट छोड़ दी और उसके बाद से लगातार 3 चुनाव राहुल गांधी ने यहां से जीता। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। गांधी परिवार को 42 साल बाद इस सीट पर हार झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने अमेठी सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश में पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है। ये सीट है अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर, सिकरी, सहारनपुर और मथुरा। हालांकि इनमें से किसी पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार बनाती है या कोई और इस सीट पर दावेदार होगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।